कदली। महोदय, पैनामी संशोधन कानून पर बोलने का आपने मुझे मौका दिया, मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं अपनी पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी का, जिन्होंने मुझे इस संशोधन कानून पर बोलने के लिए नियमित किया। महोदय, ये कानून बेनामी लेन देन अधिनियम 1988 में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इसका मकसद बेनामी लेन देन अथवा काले कारोबार को प्रभावी ढंग से रोकना और कानून को धोखा देने पर रोक लगाना है। इसके तहत बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा सके। विधेयक में खंड 4 में बेनामी लेन देन की परिभाषा में संशोधन किया गया है और व्यापक बनाया गया है, और खंड 7 में निर्णय देने वाले अधिकारियों, और खंड 30 में बेनामी लेन देन से निमटने के लिए अदालतीय अधिकरण की स्थापना की गई है। खंड 53 और 54 में बेनामी लेन देन करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध हाई कोर्ट में अपील की भी छूट दी गई है। महोदय, बेनामी नामों से जायदाद, मकान, खेत, प्लाट आदि खरीदने, व्यापार करने, शेयर खरीदने, गाड़ी खरीदने आदि आज आम बात हो गई है। काला धन किसी व्यक्ति का होता है, लेकिन जायदाद का मालिक कोई अज्ञात व्यक्ति होता है। कुछ विशेष मामलों में तो व्यक्ति अपने पैसे से खुद अपने नाम पर संपत्ति लेता है और तुरंत अपने परिवार के किसी सदस्य को गिफ्ट कर देता है। ऐसा सिर्फ वो काले धन को छिपाने के लिए करता है। माननीय मंत्री जी से विधेयक को कानूनी एवं प्रशासनिक लिहाज से मजबूत करने का प्रयास किया है, जो सराहनीय है, जिससे विधेयक के कानून बनाने के बाद इसको लागू करने में आने वाली अड़चनों को दूर किया जा सकेगा। महोदय, आज देश में सबसे अधिक काला धन रियल इस्टेट क्षेत्र में उपयोग होता है। ये पूरा ही क्षेत्र काली कमाई पर खड़ा है। कानून बनाने के बाद इस क्षेत्र में सुधार हो जाएगा, मुझे इसमें संदेह है, क्योंकि ये लोग कानूनी दाव पेच करके फिर से काले धन का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि कानून को बारीकी से लागू करें और ठीक प्रक्रिया अपनाते हुए बेनामी संपत्ति को जब्त करें, जिससे सभी नागरिकों के बीच समानता का बढ़ावा मिल सके। हो गया, समय हो गया। साथ ही लोग बेनामी संपत्ति की घोषणा वर्तमान में अपनी आय के घोषणा के अंतर्गत कर रहे हैं, उन्हें इस कानून से माफ़ी दी जानी चाहिए। साथ ही पेनल्टी दर भी कम करके 35-40% की जानी चाहिए, जिससे इस स्कीम का नतीजा बेहतर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनामी संपत्ति की घोषणा करने में आ गए। महोदय, जमीन जायदाद राज्य का विषय है, परंतु प्रस्तावित कानून में सभी प्रकार की जायदादों को कुर्क करने का अधिकार केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए राज्य सरकारों को भी इसमें शामिल कराना चाहिए। इसी महोदय, देश में जमींदारी खत्म हो गई है, परंतु बेनामी जमीन बड़े बड़े लोगों के पास है। उद्योगपति बड़े पैमाने पर जमीन खरीद रहे हैं, कहीं जंगल का क्षेत्र है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठारी इलाका है। बड़े उद्योगपति बेनामी लेन देन के कारोबार से देश की सुख शांति और दलित, आदिवासी और गरीब लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अतः संपत्ति की सीमा निर्धारित होनी चाहिए, क्योंकि देश में जब काला धन आएगा तो हमारा देश खुशहाल होगा और रोजगार के अवसर और उद्योगों की स्थापना बड़े पैमाने पर होगी। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान एक और तरफ दिलाना चाहूँगा कि ग्रामीण इलाकों में खासतौर से अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब लोगों के पास अपनी ज़मीन के सही कागजात नहीं है और राज्य सरकार के पास भी उनका राजस्व लेखा जोखा नहीं है, मालकाना हक को भी लेकर समाप्त कीजिए। ऐसे में कानून को बनाने की दीवानी मामलों में बढ़ोतरी होगी, संभावना है। सरकार ऐसे लोगों के मामलों को संज्ञान में लेकर इनका निपटारा करे और SC ST आदिवासी लोगों को मजबूत बनाने पर ध्यान दें।
महोदय, इस कानून को लागू होने पर कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने की आवश्यकता है, क्योंकि बड़ी सजा का प्रावधान समाप्त कीजिए, अगला नाम बुलाएंगे, या 25% जुर्माना लगा देने से क्या काले धन से बेनामी संपत्ति खरीदने पर रोक लगेगी, क्या गारंटी है? इसलिए बेनामी लेन देन रोकने के लिए सरकार संपत्ति जब्त करने का अधिकार अपने हाथों में ले, कानून सुचारू रूप से लागू हो, इसके लिए जैसे CBI, IT, ED आदि में अधिकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में विचार किया जाए, तभी हमें इस कानून को लागू करने में सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद। इसका भी हसर अन्य कानूनों की तरह होगा। इस संशोधन का हमारी पार्टी समर्थन करती है। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। श्री